सेटेलाइट टाउन में अगर कोई पिंडी से मुझे देख रहा है तो सेटेलाइट टाउन में आपको वारिस निहारी जो है वो मिल जाएगी। मुझे बताइएगा कि इसमें ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स डलते हैं जो इतनी टेस्टी लगते हैं। उसमें मगज, नली, मछली, बोटी और फ्राई सब कुछ होता है। ये तड़का देसी घी का लगाते हैं जी। और क्या क्या डालते हैं? ये और हम प्याज, ब्राउन प्याज डालते हैं। देसी घी गर्मा गर्म ये निहारे में गया। इस वक्त मेरे टेबल पे मौजूद है वारिस निहारी, जिसकी हमने इतनी सारी बातें की और यहाँ पर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा किस तरीके से इन्होंने जो है वो टॉपिंग के लिए हमें अदरक और इसके अलावा लेमन एंड देन चिली जो हमें आप कह सकते हैं सब्ज मिर्च दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी घी की क्या खुशबू आ रही है और क्या जायका आ रहा है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पोस्टर्स फूड्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कमल अमारत। नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि पोस्टर्स फूड्स का मतलब है कि हम आपकी खिदमत में लाते हैं लाहौर, पंजाब और पाकिस्तान भर से मज़े मज़े के साफ सुथरे और डिलीशियस खाने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आबकारी रोड न्यू अनारकली लाहौर में और आज आपको टेस्ट करवाने जा रहे हैं निहारी। आपने सुना होगा कि दी निहारी हम नाश्ते में ज़्यादातर खाते हैं, लेकिन वारिस निहारी हाउस में इस वक्त मौजूद है, आपको टेस्ट करवाने जा रहे हैं जो रात के वक्त भी निहारी लगाते हैं और ये 1960 से कायम शुदा है। तो आपको निहारी टेस्ट करवाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माशाल्लाह से धड़ाधड़ कस्टमर्स आ रहे हैं और मैं तब से यहाँ पर वेट कर रही हूँ कि कब मेरी भारी और कब जो है मैं अपने प्यारे से भाई से गुफ्तगू करूँ। तो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं प्यारे से भाई, इनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ पर कितने अरसा से काम कर रहे हैं और वारिस निहारी में ऐसा क्या डालते हैं कि लोग इतनी इतनी दूर से खाने के लिए आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है प्यारे? मोहम्मद शहबाज। सर शहबाज साहब मुझे ये बताएं कि 1960 से कायम शुदा है, आप यहाँ पर कब से? 1995 से। 1995 जी। ज़बरदस्त हो गया, तो इतना अरसा आपको यहाँ पर हो गया। आपने कितनी दफ़ा वारिस निहारी? मैंने बहुत दफ़ा खाई है। नहीं खाता। इसकी कितनी ब्रांच? दो। एक यहाँ पर है और एक ये है अनारकली में। पिंडी में किस जगह है? सेटेलाइट टाउन में। सेटेलाइट टाउन में अगर कोई पिंडी से मुझे देख रहा है तो सेटेलाइट टाउन में आपको वारिस निहारी जो है वो मिल जाएगी। मुझे बताइएगा कि इसमें ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स डलते हैं जो इतनी टेस्टी लगती है? इसमें बस आला क्वालिटी के मसाला जात और गोश्त डलते हैं। इसकी तैयारी में कितना टाइम? 10 से 12 घंटे। 10 से 12 घंटे जी। ज़बरदस्त हो गया। और ये कितने बजे दुकान है? ये शाम 4 बजे से रात 2 बजे तक। शाम 4 से रात 2 बजे, मतलब ये कि अभी इन प्रोसेस ये बिक रही होती है और दूसरी की तैयारी चल रही है। ये ऐसे ही है। ज़बरदस्त हो गया। तो सर आप यहाँ पर कब आते हैं? शाम 4 बजे। शाम 4 बजे आते हैं। ज़बरदस्त हो गया। मुझे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दीजिएगा कि यहाँ से क्या क्या डाला जाता है, उसके बाद वहाँ पर मैंने सुना कि देसी घी का तड़का भी लगाया जाता है। निहारी सारी यहाँ से जाती है, वहाँ पर सिर्फ फ्राई होता है देसी घी का। चिकन फ्राई होता है? बीफ। बीफ जो है वो फ्राई होता है। ओके, निहारी वहाँ पर फ्राई की जाती है और तड़का लगाया जाता है जी देसी घी। बिल्कुल। देसी घी से स्टार्टिंग से तड़का लगाया जाता है या बाद में इसको? देसी घी का तड़का लगता है, बनती है सूफी घी में। बताइए कहाँ से, मतलब कैसे आइडिया आ गया? हमने अक्सर सुबह के औकात में जो है वो निहारी का नाम सुना है, रात के वक्त ये बड़ों ने स्टार्ट किया हुआ है रात का जो है। हम मजीद इसकी कोई ब्रांचेस देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ज़बरदस्त हो गया। और यहाँ पर आप मुझे बताइएगा कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं पैक करवा के लेके? काफ़ी दूर से आते हैं लोग और वैसे पूरे पाकिस्तान से आते हैं खाने के लिए। कोई ऐसा कस्टमर जो आपको याद रहा हो कि मैं सर बड़ी दूर से आया मुझे इतने किलो पैक है? वो बड़ी बड़ी दूर से। क्या प्राइजेज है? प्राइजेज इसकी सबसे ज़्यादा बिकती है वो है 1950 रुपये वाली स्पेशल। उसमें क्या क्या? उसमें मगज, नली, मछली, बोटी और फ्राई सब कुछ होता है। हाफ। सर मैसेज कोई देना चाहे देखने वाले नाज? मैसेज यही है कि इधर आएँ, खाना चाना खाएँ और ये जो हर चीज़ है हमारी आला क्वालिटी की है। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का जी। बिल्कुल नाज़रीन, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ढेर सारे कस्टमर्स की लाइन लग गई है। यहाँ पर जो है वो निहारी ये प्लेट में डालकर वहाँ पर जाती है, वहाँ पर बीफ फ्राई होता है, वहाँ पर देसी घी का तड़का लगता है और यहाँ पर सिर्फ आपको एक नहीं काफ़ी सारे लोग काम करते हुए नज़र आएंगे। जो आप इतनी मज़े से निहारी खाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाथों से गुजरते हुए आपके पास पहुँचती है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो ये प्यारी सी प्लेट में इसमें डालते हैं, दैन उसके नीचे प्लास्टिक की प्लेट नज़र आ रही है आपको, उसमें डालकर जो है वो आगे सर्व किया जाता है। वो जो भाई हैं वहाँ पर बैठ के पैक करते हैं, अगर आपका बच जाता है
भी आपने साथ देख देना है, तो वहाँ पर वो पैक करने के लिए बैठे हैं, उससे पड़े भी एक भाई बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको जो है वो एक भाई नजर आएंगे जो अपने प्यारे प्यारे हाथों से पैसे वसूल कर रहे हैं और बिल वगैरह बना रहे हैं। मजीद आगे चलते हैं कि ये जो नान वगैरह आप साथ खाते हैं वो कैसे बनते हैं और तड़का एक्चुअल में कैसे लगता है, और मेरे मुँह में खासा पानी आ रहा है, मेरे साथ रहिएगा। आज नाजिन यहाँ पर जो है वो ताज़ा आप कह सकते हैं कि खमीरी रोटियाँ और नान वगैरह लगाए जा रहे हैं, और मेरे भाई यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यहाँ पर पूरे पांच लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ एक ये आप कह सकते हैं गर्मा गर्म नज़र आ रहा है आपको, हैवी किस्म का, ये नहीं कि बिल्कुल पतला नहीं, वो पड़े एक भाई बैठे हुए हैं वहाँ पर जो है वो पेड़े बन रहे हैं, फिर एक जो है वो आपको भेलता हुआ नज़र आएगा, एक आपको लगाता हुआ नज़र आएगा, और एक अभी फ़िलहाल आपको फ्री नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर ये मज़े मज़े के गर्मा गर्म जो है वो आप कह रहे हैं खमीरी रोटियाँ निकाली जा रही हैं, और आपके लिए यहाँ पर सब कुछ फ्रेश बनाया जाता है, पहले से बना के रखे नहीं होते, ऐसा कोई हिसाब नहीं है, यानी कि पका के हाथ पास रख दो बाद ले लेंगे नहीं। और अगर यहाँ पर मज़ीद आओ तो यहाँ पर जो है वो निहारी को गर्म किया जा रहा है, और अब इसका ये तड़का लगाएंगे, देसी घी से इसका तड़का लगाया जाता है। मैं इनके पास पहुँचने की कोशिश करती हूँ और इनसे गुफ्तगू कोशिश। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक मुझे बताएंगे ये तड़का कैसे लगाते हैं? ये तड़का देसी घी का लगाते हैं जी। और क्या क्या डालते हैं? ये और हम प्याज, ब्राउन प्याज डालते हैं। आपके पास यहाँ पे ये निहारी आ जाती है प्लेट में? हाँ जी, हाँ जी। आप देसी घी और जो आप जो भी जिस भी चीज़ का तड़का लगाना हो वो डाल देते हैं। हाँ, गर्मा गर्म ही आगे चली जाती है। अब गर्म होगी, तैयार होगी, चली गई। कितने अर्से से यहाँ पे काम कर रहे हैं ये? हम जी 35 साल से कर रहे हैं। फ्राई लगाना भाई 35 साल से कर रहे हैं। नाजीन आप देख सकते हैं कि ये जी देसी घी गर्मा गर्म ये निहारी में गया, और अब ये जो है वो प्याज पहले से रेडी हुआ हुआ है। हाँ जी, अब तैयार हो गई है प्लेट, अब ये टेबल पे चली जाएगी। अब ये टेबल पे चली जाएगी और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इस निहारी के टेस्ट के बारे में एक लफ्ज़ कहना हो तो क्या कहेंगे? निहारी बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया सर जी। तो नाजिन ये हमने देखा कि नान वहाँ पर बन रहे हैं, खमीरी रोटियाँ, यहाँ पर निहारी वगैरह को तड़का लगाया जा रहा है स्पेशल देसी घी से, जो कि आप टेस्ट को दुबाला कर देता है। और उनसे भी बात की, अब बारी है टेस्ट करने की, कि जितनी हमने बातें सुनी है कि वाकई भी इतनी टेस्टी आई है नहीं, तो मैं टेस्ट करने जा रही हूँ, मेरे साथ रहिएगा। जी तो नाजिन इस वक्त मेरे टेबल पे मौजूद है वारिस निहारी, जिसकी हमने इतनी सारी बातें की, और यहाँ पर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से इन्होंने जो है वो टॉपिंग के लिए हमें अदरक और इसके अलावा लेमन एंड देन चिली जो हमें आप कह सकते हैं सब्ज़ मिर्च दी है, और मेरे मुँह में बहुत सारा पानी आ रहा है। यहाँ पर मेरे पास जो है वो गर्मा गर्म नान मौजूद है, तो आई जस्ट वॉन्ट टेस्ट इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नान की बात की जाए तो नान काफ़ी सॉफ्ट है, और मुझे लगता है कि मेरी बाइट थोड़ी बड़ी है, लेकिन एनीवे पहले मैं इसका थोड़ा सा आप कह लें कि जो इसकी ग्रेवी है वो टेस्ट करूँगी, देन मैं इसकी जो इन्होंने बीफ का पीस है देन उसको टेस्ट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी घी की क्या खुशबू आ रही है और क्या जायका आ रहा है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा, लिटरली बहुत मज़े का है। ईजिली आप देख सकते हैं कितने ईजिली ये जो बीफ है अलग हो गया, अदरवाइज जो है वो घुलते रहते हैं अगर कोई और निहारी खाए तो, ये ईजिली उतर गया। एंड जो इसकी ग्रेवी की बात की जाए तो उसकी कंसिस्टेंसी बहुत कमाल की है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैं तो उसको फुली बहुत अच्छे से खाने लगी हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया, जितनी मैंने बातें सुनी थी उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है और लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वरना सुजेस्ट यू कि आप कभी भी अनारकली आएँ, न्यू अनारकली, तो आप यहाँ पर आके इस निहारी को एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताया एक दफ़ा आपने खा ली तो आप रोज़ाना आएँगे। एनीवे वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए, लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें, और आप इस तरह के डिलीशियस खाने जो है वो देख सकें और टेस्ट कर सकें। इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।